अयोध्या में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर की शाम को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने कार्यक्रम स्थल राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। कार्यक्रम में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने बताया, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर कविता और साहित्य की प्रज्वलित रश्मि के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि वह एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ प्रखर वक्ता, कवि, पत्रकार और साहित्यकार भी थे। उनकी रचनाएं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिसका अध्ययन व्यक्ति के भीतर शौर्य और पराक्रम का संचार करता है। वहीं कवि सम्मेलन के बारे में बताया कि इस कार्यक्रम में कवि शिव ओम अंबर, रमेश शर्मा, सुमन दुबे, यमुना उपाध्याय, अशोक टाटंबरी, अनिल चौबे, जगदीश सोलंकी जैसे तमाम कवियों की उपस्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर शाम 7 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए विशेष पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें जगह जगह पर ठंड से बचाव की भी व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। भारी संख्या में लोग सुनने आएंगे। इस देश के श्रेष्ठ कवियों को यहाँ बुलाया गया है। वहाँ आएंगे, अपना कविता पाठ पढ़ेंगे और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत रत्न की उपाधि भी जिनको मिली थी, जो सहृदय थे, बड़े मन के नेता थे, पूरा देश जिनको पसंद करता था और जो कवि भी थे, गुनगुनाते रहते थे सदैव, इसलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन पिछले वर्षों की बात इस वर्ष भी किया जा रहा है। दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, कई स्थानों से कभी यहाँ पर आ रहे हैं।